नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्काई टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज जानेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में, जो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। जैसे उसे मैक के साथ यूज करना है और उसकी मेन जो होती है एवरेज टू वैल्यू रेंज, जो ATR सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कैन बी यूज इक्विटी फ्यूचर ऑल्सो डेली वीकली और चार्ट। देखिए, आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड स्क्रीन पे कैसे दिखता है। ये मेरा जीरोधा काइट का एप्लीकेशन के अंदर का चार्ट है, मैंने आपको देखने के लिए लगाया है। तो इसके अंदर तीन इंडिकेटर्स लगे हैं, सुपर ट्रेंड है, पैराबोलिक्स आ रहे हैं और नीचे के साइड में देख सकते हैं मैक इंडिकेटर। देखिए दोस्तों, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो आप पूरी देखिए तो ही आप इसके बारे में पूरी जानकारी पाएंगे और सही ट्रेड कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि सुपर ट्रेंड एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, लेकिन उसके कुछ रूल्स है, वो हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपको वो ट्रेड के अंदर लगभग 90% एक्यूरेसी मिलेगी। देखिए दोस्तों, मार्केट में कोई भी 100% नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ और कोई भी नहीं होता है। तो उसे पहले आप समझे, उससे बैक टेस्ट करें, पेपर वर्क करें उसके साथ में, फिर ही कोई ट्रेड डिसीजन ले आप। तो ये जो तीनों भी इंडिकेटर में जो लगा के आपको दिखा रहा हूँ, वो आप सही तरीके से उसे समझें और उसके साथ स्टडी करें। तो चलिए दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे है जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और आपने अब तक कोई डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप जीरोधा के साथ खोल सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलो तो ना देर ना करते हुए हम सीधे चार्ट पे जाके अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सुपर ट्रेंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ऐप में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सब इंडिकेटर्स आपको कैसे अप्लाई करने हैं। जीरो द काइट प्लेटफॉर्म में देखिए, आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, 3 मार्च है। इतनी सारी बुरी खबरों के बाद भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी है, मार्केट में कंटिन्यूस अप डाउन की मूवमेंट्स आ रही है। तो चार्ट पे जाके हम देखते हैं निफ्टी, आप इसे निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर और स्टॉक्स किधर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। और जो टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट, 30 मिनट हॉरली चार्ट और डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना ध्यान रखें, जब भी आप इसे अप्लाई करें तो इसे सभी टाइम फ्रेम पे जो भी सिग्नल आ रहा है वो चेक करें। अगर सभी तरफ सेम सिग्नल आ रहा है बड़े चार्ट टाइम फ्रेम पे, ये अच्छा वर्क करता है, तो आप वो ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शंस में जाके आपको इधर टाइप करना है सुपर ट्रेंड। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है 7 और 3 की, 7 पीरियड और मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसे सेम रखना है, इसमें कोई भी चेंजेस करना है, डिफॉल्ट सेटिंग ही अच्छी होती है, कभी उसके अंदर छेड़खानी नहीं करे तो अच्छा ही होता है। ये डन, ये देखिए आपको दिखा रहा है, आज 3 मार्च है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मार्केट में सवेरे ही यहाँ पे सेल सिग्नल आया है, जो कंटिन्यू कल का सेल सिग्नल है। आज जब भी गैप अप हुआ है, लेकिन देखिए ये जो आपको दिख रहा है 325, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। जब अपने कैंडल, जो भी कैंडल है 15 मिनट की, इसको क्रॉस करेगी तो ये यहाँ पे बाय सिग्नल बनेगा। और सेकंड जो इंडिकेटर है हमें इसमें अप्लाई करना है MACD। ये है मैक इंडिकेटर, आप नीचे के साइड में देख सकते हैं। इसके भी सेटिंग में आपको कोई चेंज नहीं करना है। और थर्ड अपन जो कंफर्मेशन के लिए लगाते हैं वो है पैराबोलिक सार, इसे भी कोई चेंज नहीं करना है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो डॉट्स दिख रही है आपको, ये वाली डॉट्स, ये जो डॉट्स है ये पैराबोलिक सार है। ये जो डाउन वाले एरो दिख रही है ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, नीचे के साइड में मैक है।
तो दोस्तों देखिए, कल से ही बाजार में सेल का ट्रेंड बना हुआ है। सुपर ट्रेंड ने हमें कल सेल का सिग्नल बता दिया था, जो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुपर ट्रेंड में भी बताया और पैराबोलिक सार, और नीचे मैक का क्रॉसओवर भी देखिए आप, नीचे ये क्रॉस हो रहा है नीचे के साइड में। तो ये कंफर्म सेल ट्रेड था। जिसने भी इसमें ट्रेड लिया होगा उसने बहुत ही अच्छे पॉइंट कमाए। आप पहली कैंडल हमेशा छोड़ देना है, सेकंड कैंडल पे यहाँ पे आपने ट्रेड लेते, आपका ट्रेड बैठता था लगभग 11,300 पे। आप देखिए कितनी बड़ी मार्केट में फॉल आई है, और वो नीचे का लो जो इसने बनाया है 11,050 के आसपास का, ये बहुत ही बड़ा फॉल था। तो आप इसे पीछे जाके भी देख सकते हैं। जब भी बाय आता है, ये देखिए 2 तारीख को इसमें बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो मार्केट ऊपर ही रहा। दोस्तों इतना याद रखना है, जब भी आपको बाय करना है, ये देखिए जहाँ पे ये बाय सिग्नल आपको मिला, आपका एग्जिट कब होगा? जब भी कोई कैंडल अपने यहाँ पे आगे जाके ऊपर की साइड में सेल सिग्नल जनरेट करती है, जैसे ये आपका। तो दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं, 2 तारीख को मार्केट में बाय सिग्नल बने थे। दोस्तों याद रखना है, कभी भी पहले कैंडल पे 15 मिनट की हो या बाय नहीं करना है आपको, सेकंड कैंडल को ओपन होने दीजिए, सेकंड कैंडल के ओपन पे ही आपको बाय करना है। तो जो स्टॉप लॉस जनरली सुपर ट्रेंड का ही रखते हैं लोग, जो बहुत नीचे आता है लेकिन वो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रखना है। जनरली मैं पहली कैंडल जो ओपन होती है उसके लो के नीचे बफर रख के 4-5 पॉइंट या 2-3 पॉइंट स्टॉप लॉस रखता हूँ। देखिए हम अभी ये लाइव मार्केट में देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 तारीख को सुपर ट्रेंड ने सेल दिया था। गैप डाउन होने के बाद भी देखिए आप, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई। यहाँ पे भी बहुत अच्छा मुनाफा मिला। ये पीछे जाके और देख सकते हैं आप, 27 तारीख को भी सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया, पैराबोलिक सार ने भी सिग्नल दिया और मैक ने भी सिग्नल दिया। देखो दोस्तों, आपको ये तीनों जगह पे कंफर्म करना है। तीनों जगह आप कंफर्म करेंगे तो ही आपको ट्रेड लेना है। दोस्तों हमेशा कंफर्म करके ही ट्रेड लीजिए। वैसे भी मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी में भी आप भी देखिए आप, कल की डेट में सेल बनाए, आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी देखिए सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल में ही है मार्केट, तो मार्केट वहां से फिर रिवर्स हो रहा है। ये आप देख सकते हैं एकदम से बैंक निफ्टी में ओपनिंग के बाद 29,200 से फिर से 900-300 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। आप लाइव में देख सकते हैं, आप पीछे भी जाके देखिए, यहाँ पे बाय सिग्नल आया, आपने बाय किया 29,400 पे, लगभग 150-200 पॉइंट आपको मिले, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। आप कभी भी ध्यान रखिए जो ओपनिंग कैंडल है उसके नीचे आप जितना बफर रख सकते हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉलोटाइल होता है, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स की मूवमेंट होती है। आप देखिए पीछे भी जाके, तो दोस्तों आप जितना भी पीछे जाके देखेंगे इसके अंदर आपको ट्रेंड समझ में आएगा। हाँ, इसमें भी कभी कभी फॉल सिग्नल आते हैं दोस्तों, और साइडवेज मार्केट के अंदर ही आपको ये फॉल सिग्नल दे सकता है सॉरी। तो अब मार्केट का ट्रेंड देखिए, साइडवेज है क्या, ट्रेंडिंग मार्केट है दोस्तों। ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही ज़्यादा काम करता है, और मुनाफा लगभग ये आपको, मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, अबाउ 70% आपको मुनाफा दे सकता है। तो दोस्तों ये हुई जीरोधा के पास। जिनके पास कोई और दूसरा चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, जो है, जो ऐप मार्केट, ये देखिए मार्केट प्लस बोल के ऐप है, जो प्ले स्टोर में आपको फ्री में मिल जाएगी, जिसके बारे में मैंने वीडियो पहले भी डाल चुकी है मेरे चैनल पे। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि उसे डाउनलोड कैसे करना है, उसको कैसे चलाना है, लॉग इन करना है, उसके बारे में डिटेल।
मार्केट प्लस ऐप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये पूरा फ्री प्लेटफॉर्म है, तो आप यहाँ पे वो इंडिकेटर्स सेक्शन में जाके, ये देखिए इंडिकेटर सेक्शन, यहाँ पे आप अप्लाई करके उसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये लाइव मार्केट है, यहाँ पे फॉल आ रही है ऊपर से, मार्केट लगभग 300 से 80 पॉइंट नीचे आ चुकी है। तो दोस्तों यही बताना था मुझे आपको, ये तीन जो इंडिकेटर्स है इसके साथ आप स्टडी करने के बाद इसे अप्लाई ज़रूर करिए और अच्छा खासा मुनाफा आप कमाइए। मैं यही चाहता हूँ कि मैं अच्छी जानकारी आप ट्रेडर्स लोगों के लिए, जो नए लोग हैं उनके लिए हमेशा लाते रहूँ। तो चलिए दोस्तों, और बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके आने वाले दिनों में इंडिकेटर के बारे में लाने वाला। हाँ दोस्तों, और एक बात आपको कहनी थी कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको हमेशा जानकारी मिलती रहे।